सो गाइस फाइनली अपना तड़का रेडी है, बट जो ये साउंड आती है ना इसको इसके अंदर डालते टाइम वो मेरे को बड़ी कैंट लग दी है। तो मैं दिखांदा सी तैनू, मैं थोड़ी पंजाबी भी सीख रहा सी। सो 3 2 1 गो। सो एक्चुअली हुआ क्या है, कटरे के पास पूरी लिस्ट आई है कि जो 16 बच्चे हुए हैं और सबको बस ये पता है कि 16 अभी रह रहे हैं, बट कटरे का प्रॉपर नेम है। मैं एक्चुअली आपको क्लोज से दिखाता हूँ, सी दिस। तो अगर ये एपिसोड नहीं देखा है तो इसमें सबके नाम है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, बैक टू माय अनदर व्लॉग। और गाइस आज हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है किचन से, और इसके बाद देखने वाले हैं हम बिग बॉस का कौन सा एपिसोड और क्या चल रहा है बिग बॉस में। मतलब मैंने बहुत टाइम से ना एपिसोड मिस कर दिए, तो आज हम देखने वाले हैं। बट उससे पहले मुझे दाल में तड़का लगाना है। ये अपनी दाल रेडी है यहाँ पर, और मुझे प्याज वगैरह चॉप करनी है। तो जैसे ही मेरा तड़का लग जाता है तो मैं आपको मिलता हूँ। सो गाइस एक्चुअली मेरे को खाना बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मेरे को जो प्रोसेस अच्छा लगता है खाना, मतलब खाना जब बन कर रेडी होता है तड़का, तो वही तड़का लगाना मेरे को पसंद है। इसलिए मम्मी ये सारा काम मेरे पर छोड़ देती हैं। सीधी अब जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाता मैं तब तक इसको दाल में नहीं छोड़ने वाला। अपना तड़का रेडी है, बट जो ये साउंड आती है ना इसको इसके अंदर डालते टाइम वो मेरे को बड़ी कैंट लग रही है। तो मैं दिखांदा सी तैनू, मैं थोड़ी पंजाबी भी सीख रहा सी। सो 3 2 1 गो। तो ये साउंड बड़ी कैंट लग रही है यार मैनु। सो गाइस फाइनली अपना सारा काम हो चुका है और हमने अपना ऑन कर लिया टीवी। बिग बॉस का एपिसोड कौन सा चल रहा है मेरे को तो आइडिया नहीं है, बट देखते हैं कौन सा चल रहा है और कौन नॉमिनेट होने वाला है। मैंने सुना है बहुत ज़्यादा हाइप बना रही है शिवानी कुमारी नाम है शायद उसका, तो चलो देखते हैं। सो गाइस फाइनली ऑन हो चुका है बिग बॉस और ये जो एपिसोड है बाहर शिवानी कुमारी की बात कर रहा है। एक्चुअली अभी जब कटारिया और दूसरी लड़की का मेरे को आइडिया नहीं नाम क्या है, तो उनकी जब बात हो रही थी ना तो शिवानी कुमारी बहुत असर हुई थी। मतलब शिवानी कुमारी ने पूरे TRP खींच रखी है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे लगता है, क्योंकि जैसे हमेशा वो सबको किसी ना उल्टा बोल रही है, तो मैं बता रही अपने मुंह से कि एक्चुअली मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, सबको पता है बहन तू कहाँ से आई है, बट मे बी वो हाइप बनाने के लिए ये सब स्ट्रैटेजी यूज़ कर रही है आई थिंक। तो मुझे लगता है इसी हिसाब से उसको एंड तक उसको मिलेगी जगह, इसमें एलिमिनेट होने के उसके चांस बहुत कम है यार। सो ब्रदर इसमें नेजी भाई भी आ रखे हैं। नेजी भाई की जो बोलने का तरीका यार बहुत अलग लेवल का है। दीपक जी तो आ जाएंगे, बोल दे एक बार कहना भाई लंच के टाइम पे लंच दो, डिनर के टाइम पे लंच रख दो, हमें सही बात है ना। पर आप दो टाइम से मिला दीपक जी को बुला लो, हम लोग चालू कर देते। मकबूल नहीं भी आएगी तो अपन उसके बिना भी काम कर सकते। मकबूल तो रेडी है ना, दीपक जी को बुलाओ अंदर से लेकर आओ, हम लोग चालू करते। चलो लेकर आते दीपक जी को। मे बी आई थिंक इनका फूड वगैरह कुछ चल रहा है। एक्चुअली हुआ क्या है, कटरे के पास पूरी लिस्ट आई है कि जो 16 बच्चे हुए हैं और सबको बस ये पता है कि 16 अभी रह रहे हैं, बट कटरे का प्रॉपर नेम है। मैं एक्चुअली आपको क्लोज से दिखाता हूँ सी दिस। तो अगर ये एपिसोड नहीं देखा है तो इसमें सबके नाम है जो भी कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। कुछ इतना खास रहा नहीं, बस नॉमिनेशन के वो चल रहे हैं, तो लोगों से वोट करे जा रहे हैं कि एक्चुअली तुम्हें उनका प्रताप या वगैरह जो भी लगता है कैसा लगता है। तो आज का इतना खास रहा नहीं, बट मे बी हम कोई नेक्स्ट वो करें तो मे बी कुछ अच्छा दिखे। तो बस यही है आज का बिग बॉस बस यहीं तक था। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने पार्क, गया था और मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि यार गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं और भी कहीं गया था, आपको बहुत जल्द बताऊँगा क्या चल रहा है लाइफ में। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस बहुत जल्द।